गुरुवार को मसूरचक प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर महतो और सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार चौधरी मसूरचक अस्पताल में पहुंचकर देखा तो वे हतप्रभ रह गए। अस्पताल परिसर और अंदर में गंदगी का अंबार और अव्यवस्था को देखकर उन्होंने बताया कि एएनएम की ड्यूटी चार्ट बोर्ड पर रहता है लेकिन वहां से गायब था और उसे अद्यतन किया गया था। प्रसव उपरांत लाभार्थियों के तमाम कागजात की आवश्यकता जांचों उपरांत एक सप्ताह के अंदर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी प्रकार कि कोई राशि की अवैध वसूली नहीं हो, अन्यथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एएनएम, जीएनएम, ममता कार्यकर्ता या सफाई कर्मी आदि द्वारा प्रसव के लिए आई महिलाओं एवं उनके परिजनों से अवैध राशि की वसूली पर अविलंब रोक लगाने और मामले में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साफ सफाई कार्य संस्थान में बिल्कुल असंतोषजनक है। एनजीओ की चेतावनी देते हुए साफ सफाई में अविलंब सुधार किया जाए। अस्पताल में रोगियों को गुणवत्तापूर्ण निर्धारित मेन्यू के अनुसार खान पान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही इसकी गुणवत्ता की कमी कोई जांच की जा रही है और रोगियों की गुणवत्तापूर्ण खान पान रोगियों को उपलब्ध कराया जाए और प्रसव का भुगतान प्रसूता को ससमय किया जाए। इन बातों को लेकर चेतावनी लोगों को दिया। मामला है, अभी हम घर पर थे तो रामकुमार जी तुम फोन किए कि हम अनशन पर बैठ गए कि आप काहे, तो एएनएम कहा तो हम पूछे जो साफ सफाई के संबंध में, तो कहा कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। तो ये तो बड़ा गंभीर बात है, कोई भी ये तो जनप्रतिनिधि या कांग्रेस कार्यकर्ता है, कोई भी आम पब्लिक यहाँ आके पूछ सकता है कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है या ये त्रुटि है इसमें सुधार लाइए, तो आप उसको नहीं कह सकते हैं कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये सबका साधारण सा अभी कोई आदमी है उसका भी अधिकार बनता है, वो पूछ सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल ये हमारे कैंपस में है, हम लोगों के हिफाजत के लिए है। दूसरी बात है कि यहाँ के प्रभारी कमजोर हैं, इनकी बात ये जो इनके निचले स्तर के कर्मचारी हैं ये क्या कहते हैं जो नहीं मानते हैं या ये अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, जो इनका प्रभारी हैं तो ये अपने अधिकार का कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनका जो कर्मचारी है सबसे ज़्यादा एएनएम शोषण करती है पब्लिक का। ये जो गर्भवती महिला आती है उसके अटेंडेंट से अवैध पैसा वसूली करते हैं, जो गरीब आदमी भी है जिसके पास कोई पैसा नहीं है उससे भी जो 200-400-500 रुपया वसूल किया जाता है। और क्या कहते हैं जो बदनामी आशा की होती है, जबकि आशा 9 महीने तक गर्भवती महिला का सेवन करती है, उसका देख रेख करती है, फिर भी उस वो इतना से क्या कहते हैं जो जुल्म नहीं करती है जितना ये जन्म प्रमाण पत्र में पैसा लिया जाता है। और समय रोस्टर जो है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे एएनएम का हो या डॉक्टर साहब का हो, वो खाली पड़ा हुआ है। आखिर कोई आएगा तो कैसे देखेगा किनका क्या उनका नंबर रहना चाहिए, कोई आए अगर हॉस्पिटल में तो देखेगा तो उनसे पूछेगा जो ऑफिसर आया जा आपका ड्यूटी कहाँ है। यही इन्हीं सब कारणों के चलते यहाँ क्या कहते हैं जो ये धरना पर बैठे हैं। दूसरी बात है कि खान पान का स्तर बिल्कुल गड़बड़ है, एनजीओ के द्वारा खान पान का स्तर बिल्कुल दब है, जो उसका जो मीनू है उसके आधार से उसके 10% भी उसका खाना नहीं मिलता है, ये भी शिकायत है। इसीलिए धरना पर बैठे हैं और हम पार्टी के लोग इनके समर्थन में हैं कि बेड ये तो अपने घर पर भी हम इतना गंदा बेड पर नहीं सो सकते हैं। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और सरकार पैसा देती है ये बिछावन का सप्ताह में या जो उसका हो तरीका, तो पैसा देती है और ये इस पर तेल लगा हुआ है, गंदा लगा हुआ है, ये देखने का सवाल है। इसलिए इसी पर बैठे हुए हैं, कोई पदाधिकारी आएंगे तो देखेंगे कि इस बेड का क्या हालात है। स्वास्थ्य मतलब साफ सफाई का भी बिल्कुल अभाव है, यही कारण बैठे हैं। आखिर मामला क्या है? सबसे पहला मामला है यहाँ के जो एएनएम है वह दबंग है, जनता को समझा नहीं पाते हैं, काम नहीं करते हैं। दूसरी बात यहाँ रोस्टर टंगा हुआ नहीं है। तीसरी बात ठेकेदार के द्वारा आज महादलित परिवार में भी वैसा गंदा कपड़ा नहीं बिछावन पर रखा जाता है जैसा बिछावन पर अभी कपड़ा रखा हुआ है। चौथा बात देख लीजिए, अभी रोगी ऑपरेशन होके आई और भुइया में पड़ाया जा रहा है, बेड निश्चित रूप से है लेकिन कोई एएनएम कोई डॉक्टर साहब के डेरा में क्वार्टर में इससे आज ही जाकर। आपका नाम? राम कुमार चौधरी, कांग्रेस कार्यकर्ता।